अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हमने अब तक जो भी सीखा है इतने ट्यूटोरियल्स में, इस सीज़न में जितना भी सीखा है, तो हम उन सारे स्टिचेस को रिकॉल करेंगे। सो सबसे पहले करते हैं, एक चेन बनाते हैं। चेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी फिंगर पे एक रैप करेंगे ऐसे, और उसमें नीडल डाल के चेन्स लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये इस तरह से हम चेन्स लेते हैं हमारी। इस तरह से हम चेन्स लेते हैं हमारी। धागा हुक अपनी तरफ, लास्ट कॉर्नर को खींच लेंगे। जब हम लंबे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जैसे कि शॉल हो गया या कुछ और जिसमें हमको ज़्यादा लंबी चेन लगती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चेन के अंदर, ये फर्स्ट चेन के अंदर हमारे इसको डाल देंगे। नीडल को हमारी फर्स्ट चेन के अंदर डाल देंगे इस तरह से। उसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे और सामने से जैसा हमको काम करना है उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमारी चेन पलटे ना, गोल गोल ना हो जाए। इस तरह से तो ये हम बनाएंगे 20 चेन्स। ये हो गई है चेन्स, अब हम इसको ओपन करते हैं। ओके, अब मैं आपको इसमें सारे स्टिचेस रिकॉल करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं स्लिप स्टिच, जो सबसे बेसिक है। चेन के बाद जो हमने नेक्स्ट सीखे थे वो है स्लिप स्टिच। ये वाली चेन को स्किप कर देंगे, फर्स्ट चेन। नाउ दूसरी सेकेंड वाली में अंदर डालेंगे नीडल, धागा लेंगे बाहर, बाहर आ गए आपके दो, सेकेंड वाले को डालेंगे फर्स्ट में से निकालेंगे। ओके, एक बार और ये डाले हैं अंदर, ये डालकर खींचना है, ये दो आ गए, तो सेकेंड वाले को निकालेंगे फर्स्ट वाली में से। ये हो गए हमारी स्लिप नॉट। अब जाएंगे सिंगल क्रोशे की तरफ, फिर से इसके अंदर धागा लेंगे बाहर, हमारे पास आ गए हैं दो धागे, फिर धागा लेके उसमें से बाहर, ठीक है। एक और बार यहाँ डालेंगे, धागा लेंगे उसके ऊपर, ये आ गए हैं दो, फिर से धागा लेकर दोनों में से बाहर। ओके, अब जाएंगे हाफ डबल क्रोशे की तरफ। हाफ डबल क्रोशे में धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे, धागा लेंगे बाहर, आपके पास आ गए हैं तीन, तीन में से दो में से लेकर बाहर निकालिए, फिर तीन धागा लेकर फिर ये तीन, फिर धागा लेकर तीन में से बाहर निकाल। ये बन गए हैं दो आपके हाफ डबल क्रोशे। आप डबल क्रोशे, एक बार धागा लेकर अंदर डालना है, बाहर निकालना है, ये आ गया, फिर उसके बाद और धागा लेकर दो में से निकालेंगे, फिर एक बार और धागा लेकर दो में से निकालेंगे, धागा लेना है अंदर,
अंदर डालना है, धागा निकालना है बाहर, फिर लेंगे हम दो में से, फिर निकालेंगे हम दो में से। ये हो गया डबल क्रोशे। अब हम काम करेंगे ट्रिपल। ट्रिपल ट्रिपल क्रोशे मैंने अभी तक आपको बताया नहीं हूँ, पर ट्रिपल भी वैसे ही होता है, सिर्फ इसमें आपने दो बार धागा लिए थे, अब तीन, एक बार सिंगल बार धागा लेके अंदर डालते हैं हम डबल क्रोशे के लिए। इसमें हम लेंगे एक दो, दो बार धागा लेंगे, अंदर डालेंगे, धागा लेंगे बाहर। अब आ गए हैं आपको, हमेशा आते हैं आपको थ्री लूप्स, अब आ गए हैं आपको चार लूप। धागा लेना है, दो में से निकालना है, फिर धागा लेना है और दो में से निकालना है, फिर धागा लेना है और दो में से निकालना है। वंस अगेन, एक बार फिर से, एक बार धागा लेते थे हम डबल क्रोशे को, ट्रिपल को हम तीन, दो बार लेंगे, तो टोटल हमारे पास तीन धागे हैं। कहाँ डालना है हमको, हम वहाँ पर उसको डालेंगे, धागा लेंगे बाहर। आ गए, अब फिर से धागा लेकर दो में से, मैक्सिमम जहाँ से आप आपका लूप ओवर करके जो निकाल सकते हैं वो दो ही है। ऐसा ही करते करते आप लगभग 10 बार आपके नीडल पे धागा ले सकते हैं। मैं आपको 4 का बताऊंगी। हमने अब तक कितनी बार लिए थे, दो बार लिए थे, अब हम लेंगे तीसरी बार। ओके, अब हमने लिए है तीन बार धागे, तो हमारे पास आ गए हैं टोटल 4 लूप्स। इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें डालेंगे बाहर, बाहर आ गया। ये है हमारे पास 5 लूप्स, दिख रहे हैं 5 लूप्स। तो फिर इसमें से धागा लेकर दो में से, इसी तरह से धागा लेकर दो में से, फिर और धागा लेकर दो में से, और धागा लेकर दो में से। इसी तरह से आप धागा 10 टाइम्स धागा ले सकते हैं अपने उसके ऊपर। ये लिए थे हमने 3 टाइम्स, अब मैं आपको और एक बता दूंगी 4 टाइम्स। आगे के जो स्टिचेस हैं वो यूजुअली यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये गैप जो आता है ना, दो स्टिचेस के बीच में ये जो गैप बनता है ना, ये यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता। पर कहीं आप कुछ फ्लावर या नया पैटर्न बनाने वाले हैं तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट ये धागा लिए हैं, इसके अंदर डालें, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये धागा लिए हैं, अभी हमने कितने लिए थे, 3 बार लिए थे, अब हम 4 बार लेंगे, 1 2 3 और एक बार 4। इस बार हम 4 बार लेंगे 4, तो टोटल हमारे पास 5 लूप्स हैं ऑन द नीडल, मतलब आपके हुक के ऊपर 4-5 लूप्स हैं। फिर अंदर डालेंगे, धागा लेंगे बाहर। ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ़ लूप्स यहाँ पर ज़्यादा लूप्स आ गए तो हम दो में से या सॉरी 3 में से या 4 में से धागा निकाल सकते हैं, नहीं, आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो में से ही निकालना है। इसमें भी देखिए, ये लिए धागा लिए, ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है क्योंकि वो धागा निकलने का डर होता, पर इतना नहीं, एक बार हाथ सेट हो गया है तो आ जाएंगे। ये डालकर फिर दो में से निकालते हैं, फिर धागा लेकर और दो में से निकालते हैं, फिर धागा लेकर और दो में से निकालते हैं, फिर धागा लेकर और दो में से। और एक बार बताते हैं, अब हम लेंगे 5 टाइम्स नीडल पे, हम 5 टाइम्स धागा हुक पर अपने धागा 5 बार गोल घुमाएं, 1 2
तीन चार और एक पाँच, ये हमने 5 बार डाला है। उसके बाद हम डालेंगे अंदर धागा लेकर बाहर। हमारे पास कितने सारे लूप्स हो गए हैं, कितने हैं, 3, 7 लूप हैं हमारे पास। अब धागा लेकर हर दो दो में से निकालते जाएंगे, ये दो में से एक बार निकला है, फिर धागा लो। और ये प्रॉब्लम आती है, इससे डरना नहीं है। जैसे ही आपके लूप्स धागे पर पड़ जाते हैं तो ये निकलने का बहुत डर होता है। देखिए ये तो पूरा ही खुल गया। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 बार लिए हैं तो टोटल हमारे पास हो गए हैं 7 लूप्स। इसको डालेंगे अंदर, बाहर निकालेंगे, धागा लेकर दो में से यार्न ओवर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, यार्न ओवर, और दो में से फिर लेंगे और दो में से फिर लेंगे और दो में से और लेंगे और दो में से और लेंगे और दो में से। थोड़ा सा केयरफुली काम कीजिए कि आपका लूप आपके नीडल से छूटना नहीं चाहिए। ये लेंगे और दो में से, लेंगे और दो में से, ये लेंगे और दो में से, फाइनली बाहर आ गया। दो तीन 4 बार लिए हमने धागा, अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे, धागा लेके दो में से, फिर धागा लेकर दो में से, धागा लेकर दो में से, यार्न ओवर और दो में से, और यार्न ओवर और दो में से। ये देखिए, इसी तरह से आप 10 बार तक धागा ले सकते हैं आपके लूप के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैंने कई बार धागे लपेट कर स्टिचेस बनाई हैं, पर हर चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है कि आप हर बार जब नीडल निकालते हैं तब आप दो स्टिचेस, दो लूप्स में से ही निकालते हैं, दो लूप से ज़्यादा से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपका जो स्टिच है वो प्रॉपरली आना चाहिए, सही से आता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जितने कम बार आप धागा लपटेंगे आपके नीडल के ऊपर या हुक के ऊपर, उतनी छोटी आपकी स्टिच आएंगी। यहाँ पर हमने धागा बिल्कुल नहीं लिया था और एक साथ निकाले थे, जो ये स्लिप स्टिच है, तो ये देखिए इसका साइज़ कितना छोटा है। ये सिंगल क्रोशे है तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये हाफ डबल है थोड़ा सा बड़ा, ये डबल है ये उससे बड़ा, और इसको बोलते हैं हाफ ट्रेबल। इसमें यूके वर्जन और यूएस वर्जन आता है, तो मैं आपको एक चार्ट दे दूंगी, अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको उन चीज़ों की हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो आप वो चार्ट एक बार रेफ़र कर लीजिए। ओके, तो यूजुअली ये ट्रिपल क्रोशे तक ही आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, ये वाले बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि इनके बीच में गैप्स बहुत आता है। तो आप बड़े प्रोजेक्ट जैसे शॉल वगैरह, कैप, इसमें आप यूजुअली ये सब नहीं यूज़ कर सकते। देखिए इसमें गैप बहुत ज़्यादा है,
यहाँ तक गैप इट्स ओके, ये मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ये एक्सेप्टेबल गैप है तो ये चल जाता, पर इसके आगे वाले स्टिचेस आपको बहुत कम यूज़ में आते हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए कैसे लंबी स्टिच लेते हैं, कैसी छोटी स्टिच लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस ये एक बार आप बना देंगे, ये ट्रायंगल एक बार आप बना देंगे तो आपका सारा रिकॉल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मदद किया होगा, आपने इससे कुछ सीखे होंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।